दोस्तों इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उनकी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिससे हमारी उम्मीदें बहुत ही ज्यादा है क्योंकि अब तक ना ये वैक्सीन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उन्होंने कंपनी ने जो है ना वो एनिमल टेस्टिंग का डेटा शेयर किया है जो आप सभी को काफी खुश कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में ताकि आप सभी को मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। यहाँ पे दोस्तों जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है ना वो काफी सेफ एंड काफी इफेक्टिव है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन काफी एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं। एम्स के डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया कि अगर सेफ्टी डेटा कंपेयर किया जाए स्पुतनिक वी से, रशिया की वैक्सीन से, तो भी ये वैक्सीन काफी हद तक सेफ है। यहाँ पे फाइनली कंपनी ने जो है ना उनके एनिमल टेस्टिंग का डेटा जो है वो शेयर किया है जो काफी इंप्रेसिव है, जहां पे ट्रायल्स हुआ था मंकीज पे। ट्रायल्स कैसे परफॉर्म किए गए थे वो मैं आपको समझा देता हूँ। सारे मंकीज को डे वन पे डोज वन दिया गया, डे जीरो कह सकते हो, वन कह सकते हो, उसके बाद 14th डे पे डोज सेकंड दिया गया, मतलब दो डोजेस जो है ना उनको दिए गए थे, एक डे जीरो पे एक डे 14th पे। सेकंड डोज के 14 डेज बाद जो है ना सारे मंकीज को SARS-CoV-2 से इन्फेक्टेड करने की कोशिश की गई, मतलब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड करने की कोशिश की गई, लेकिन सारे मंकीज जो है वो प्रोटेक्टेड थे। और यहाँ पे जितने भी पॉसिबल टेस्ट है वो सारे परफॉर्म किए गए थे, नेसल स्वैब, माउथ स्वैब, सिटी स्कैन, सारे टेस्ट जो है ना परफॉर्म किए गए ताकि पता चल सके कहीं पे कोई इन्फेक्शन है या नहीं। लेकिन रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव थे, किसी भी मंकी को कोई भी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं हुई। तो एक और बार ना ये इंडियन वैक्सीन ने कमाल किया है और हमारी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा और बढ़ा दिया है। आशा रखता हूं आप सभी को भी अब ऐसा लग रहा होगा कि अगर कोई और वैक्सीन नहीं है तो फिर भी हमारे पास खुद की एक वैक्सीन है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि ऑक्सफर्ड ने भी अपने ट्रायल्स है वो रिज्यूम कर लिए है इंडिया में, ये वीक में ही, मतलब नेक्स्ट वीक में रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन ये वैक्सीन जो है ना वो इंडिया की है और जितने भी डोजेस बनेंगे वो इंडिया के लिए बनेंगे, तो काफी हेल्पफुल होने वाली है वैक्सीन आने वाले समय में। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।